उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तेलंगाना के नारायणपेट से टीआरएस और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने टीआरएस पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि 5 साल से जिस तरह से के चंद्रशेखर राव ने सरकार चलाई, तेलंगाना की जनता परेशान। उन्होंने वादा खिलाफी की है और राज्य की जनता से धोखा किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केसीआर सरकार ने गरीबों को 2 बेडरूम का घर देने का वादा किया था, उन्होंने इसको भी पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा भी यहां की जनता को उठाने नहीं दिया। अमित शाह ने कहा कि देश में 2 करोड़ लोगों को घर मिल चुके हैं, लेकिन तेलंगाना के लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए। इसके पीछे केसीआर हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को भी लागू नहीं किया। केसीआर ने तेलंगाना के गरीबों को इसका फायदा नहीं उठाने दिया। अमित शाह ने कहा कि अब तक देश में 13.5 लाख लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं, लेकिन तेलंगाना के गरीबों को इसका फायदा नहीं मिला। केसीआर ने कहा था कि तेलंगाना के शहीद परिवारों को नौकरी देंगे, उन्होंने अपने इस वादे को भी पूरा नहीं किया। जबकि उन्होंने कहा था कि जीतेंगे तो एक दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने इस वादे को भी पूरा नहीं किया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। हम किसानों का ध्यान रखेंगे, किसानों को खुशहाल करेंगे। टीआरएस के शासन में 3500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, इसका अगर कोई दोषी है तो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर।